मेट्रो संचालन शुरू होने के बाद शहर को जाम से पूरी तरह से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान से ट्रैफिक जाम की समस्या से शहर को निजात दिलाने में मदद मिलेगी। लखनऊ डीएम कौशल राज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू हो जाने के बाद मेट्रो के 23 किलोमीटर रूट पर ऑटो और टेम्पो के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी देखना शुरू कर दिया गया है कि जो ई रिक्शा के परमिट हैं या जो ऑटो के परमिट हैं या डीजल टेम्पो के परमिट हैं उनकी रिविजन शुरू हो गई है। मेट्रो के रूट से उनको हटवाना शुरू कर दिया गया है कि इस रूट पे लोग मेट्रो से ही सफर करें। ई रिक्शाज हैं उसका मोहल्ला वाइज हम लोग एरिया सीमित कर रहे हैं। लखनऊ मेट्रो के फेस वन साउथ नॉर्थ कॉरिडोर के 23 किलोमीटर रूट पर मेट्रो का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस रूट पर मेट्रो का कॉमर्शियल रन भी शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू हो जाने के बाद लखनऊ वासियों को जाम से पूरी तरीके से निजात दिलाने के लिए लखनऊ जिला प्रशासन ने एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत मेट्रो रूट पर किसी भी तरीका का टेम्पो या ऑटो रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं ई रिक्शा को सिर्फ मोहल्लों और गलियों तक ही सीमित रखा जाएगा। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।